पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कातिलों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियारों को भी जब्त कर लिया है। दरअसल उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में छानखेड़ी गांव में 65 वर्षीय मदन बलाई चौकीदारी का काम करता था। खेत पर 15 तारीख को रात में रक्त रंजित हालत में मिला मृतक वृद्ध का शव बरामद कर इंगोरिया पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 24 घंटे के अंदर ही हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हत्या में जब्त किए हुए हथियार, चाकू, सब्बल, लाठियां भी पुलिस ने जब्त कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अंतर सिंह कनेश, नगर SDOP शेर सिंह भूरिया ने किया। इस दौरान इंगोरिया थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। साथ ही बेहतर काम करने वाले आरक्षकों और पुलिस कर्मियों को उज्जैन SP सचिन अतुलकर द्वारा सम्मान और नगद राशि भी देने की बात कही गई। हाँ, ये जो घटनाक्रम है पूरा, ये 14 तारीख की रात्रि का है। 15 तारीख को थाने में सूचना मिली थी कि कैलाश माहेश्वरी जी का जो बगीचा है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। जब जा कर के देखा तो वो डेड बॉडी वहाँ का जो चौकीदार है मदन बलाई, लगभग 65 साल का, ये उसकी डेड बॉडी थी। तो उसको आगे थाना प्रभारी, SDOP थाना प्रभारी, हमारी FSL टीम, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी घटना के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में आगे इसमें काम किया गया है। इसमें जो थाने का स्टाफ है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्य रूप से हमारे जो दो आरक्षक हैं यहाँ पे थाने में, जिनके नाम है भंवरलाल और अनिल आर्य, उनका एक अच्छा रोल रहा है इस पूरी घटनाक्रम को डिटेक्ट करने में। चूँकि घटनाक्रम उन्हीं के बीट का था तो आगे मुखबिर के द्वारा कुछ इसमें सूचनाएँ लगातार मिलती रही। तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार से रहा कि इनके यहाँ पर एक महिला है छायाबाई नाम की, जो परिवर्तित नाम है उसका, वो काम करने के लिए आती थी। उसके साथ में उसकी बेटी भी कभी कभी आती थी काम करने के लिए। तो वहीं पड़ोस का एक मांगीलाल करके है, वो भी बुज़ुर्ग आदमी है, लगभग 50 साल का आदमी है। तो उसके साथ में उसकी लड़की का संबंध हो गया था। ये बात जब इसको मदन लाल को पता चली तो मदन लाल ने कहा कि उसके साथ उसका संबंध है इतने समय से है, तो तुम इसके नाम से प्रॉपर्टी करवा लो, उसकी जो मांगीलाल की प्रॉपर्टी करवा लो, कुछ ज़मीन इसके नाम से करवा लो या फिर इसका घर उसका नाम से करवा लो। चलिए, तो उसने प्लान बना लिया कि ये मेरी संपत्ति हड़पने के चक्कर में है। उसने प्लान बना करके अपने बेटे को और साथ में उनके जो रिश्तेदार थे पूछाखेड़ी में, जिसमें कालू सिंह और बालू सिंह, ये दो रिश्तेदार थे, उनके रिश्ते में इनके जीजा लगते थे, तो उनको यहाँ पर बुलाया। पूरे षड्यंत्र रच करके उनको 14 तारीख की रात को बुलाया गया। साथ में तीनों के द्वारा फिर वहाँ मौके पर गए। मौके पर जा करके जो मृतक है उसको घर के बाहर बुलाया गया आवाज़ दे करके, क्योंकि रात की घटना थी तो मृतक भी इनको शायद पहचान नहीं पाया। पर बुला करके जो हमारी राड़ होती है, सब्बल होती है, सब्बल से उस पर सिर पे वार किया, फिर इनके द्वारा पकड़ के उसको पैरों पे वार किया, तो मृतक की फिर वहीं पे मृत्यु हो गई। इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। षड्यंत्र रचा तो षड्यंत्र का आरोपी है वो, घटनास्थल पे नागेश बलाई है, साथ में कालू बलाई है और उसका भतीजा जो बालू बलाई है, ये तीन इसमें मुख्य आरोपी है। इसमें से बालू और कालू को हमने पूछाखेड़ी से अरेस्ट किया है, बाकी दोनों जो नागेश और उसका पिताजी मांगीलाल है उसको हमने चिकली से गिरफ्तार। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।